आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है, ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है, ये महोत्सव वैश्विक शांति का विकास का महोत्सव है। में जहां इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं एक तरफ 11 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है, जहां लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपीलें की जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मकसद देश के लोगों को उनकी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में एक बार फिर से अवगत कराना है। आजादी के इस अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। तब से लेकर अब तक आजादी के इस अमृत महोत्सव में कई अभियान शुरू हुए हैं। हाल ही में इस अभियान के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने एक आयोजित समारोह में भाग लिया था। कसम है मुझे जलियांवाले बाग में बहती इस रक्त की धारा की, जब तक मैं हिंदुस्तान की निरादरता और पंजाबियों की गैरत का बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इन जलियांवाले बाग के शहीदों ने इतिहास का एक पन्ना लिख दिया है, इससे अगला पन्ना मैं लिखूंगा। जहां पर उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान का एक वीडियो और एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने निर्धारित किया है के आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को रंगे चंग के साथ मनाया जाए, और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को ये अपील करने आया हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। देश में इन दिनों तिरंगा उत्सव इतनी धूमधाम से पिंगली वेंकैया नायडू की 146वीं जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। उनकी याद में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर थे। उन्होंने महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया, सफेद और हरे रंगों के बीच में चक्र के साथ डिजाइन किया था। यह कार्यक्रम भारत की आजादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के रूप में यादगार बनाने के लिए एक ऐतिहासिक दिन का प्रतीक होगा, और देश के सबसे अनमोल रत्नों में से एक पिंगली वेंकैया को एक महान श्रद्धांजलि होगी।